गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड कैसा है नहीं होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आज है ना 17 आवर्स चैलेंज, ना 13 आवर्स चैलेंज, ना 10 आवर्स चैलेंज, आज है द 14 आवर्स चैलेंज। जी हाँ, अलग अलग चैलेंज हम ट्राई कर रहे हैं। सो गाइस यार आज है संडे एंड कल है मंडे, तो कल हमारे ट्यूशन में 3 लेसन का टेस्ट है बायोलॉजी का, तो उसी का प्रिपरेशन करते समय मैंने सोचा व्लॉग निकाला जाए। तो लेट्स गो व्लॉग करते हैं द 14 आवर स्टडी चैलेंज, लेट्स गो पब्लिक। फर्स्ट हमें करना है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 3 आवर्स, फिर लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 3 आवर्स, फिर लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 3 आवर्स, फिर नोट्स रीड करने हैं, फिर प्रोबेबिलिटी करना है मैथ का। ये 3 चैप्टर जो है मेरे टेस्ट में कल आने वाले, तो मेरे को इसको प्रिपरेशन करनी है। और टाइटल देख सकते हो 14 आवर स्टडी चैलेंज टेस्ट, तो लेट्स गो अब करते हैं स्टडी एंड लेट्स स्टार्ट बिना किसी टाइम पास के। सो गाइस हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है वीडियो का, एंड अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक डिजर्व करता हूँ खाना खाने के लिए, तो लेट्स गो खाना खाते हैं एंड उसके बाद फिर से लग जाते हैं पढ़ाई करने पे। लेट्स गो पब्लिक। सो ही गाइस एंड खाना वाना खा के थोड़ा आराम किया एंड सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, बहुत ज़ोर से। क्या मैं बोलूँ, मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ दो एंड सो जाऊँ, बट नहीं नहीं करना ये। तो लेट्स गो, अब नींद के लिए एक ट्रिक है कॉफ़ी, तो लेट्स गो कॉफ़ी में बनाते हैं। चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, एंड अभी टारगेट में बस एक लेसन बाकी है लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। अभी मेरी मोबाइल की पूरी चार्जिंग डिस्चार्ज हो गई है एंड आई कुड नॉट व्लॉग एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज मैं खुद अभी चार्जिंग में लगा के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं कुछ व्लॉग भी नहीं कर सकता और कुछ दिखा भी नहीं सकता। ये देखो मेरे बेड की हालत, देखो दिखाता हूँ, ये रही देखो, ऐसे ही पढ़ के मेरे मोबाइल की चार्जिंग पूरी लो हो चुकी है। एंड अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन ही है बटन। और एंड यार सीरियसली यार 3 लेसन थे, 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों बहुत बड़े लेसन यार, ठीक है बहुत बड़े हैं। 3-3 आवर्स में ऐसा है नहीं कि कंप्लीट हो जाए, मतलब कंप्लीट तो होने के लिए हो जाएगा लेकिन समझ के करने में अलग बात होती है यार। तो 2 लेसन तो कर लिया है और मैं भी थोड़ा थक गया हूँ एंड मुझे भी थोड़ा ऐसा पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा। लाइक पिछले एक हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई 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 करते आ रहा हूँ। मेरा भी दिमाग ऐसे हो गया है कि अभी मेरे को स्टॉप करना चाहिए, अभी मेरे को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए मेरे ब्रेन को। सो अभी मैं जा रहा हूँ, क्या करना है
थोड़ा सा नैप लेने ऑलमोस्ट, क्योंकि यार मोबाइल की चार्जिंग भी लो हो गई है, मेरा पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, सीरियसली बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि एक हफ्ते से मैं बैक टू बैक कंटिन्यूसली 13 आवर्स 12 आवर्स 10 आवर्स कंटिन्यूसली स्टडी कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली, सीरियसली, झूठ नहीं बोल रहा। तो मैं थक गया हूँ और मेरे को लगता है कि मेरे को ब्रेन को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो चलो अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, लेट्स गो टू स्लीप एंड मोबाइल चार्ज, और उठेंगे तो डायरेक्ट पढ़ना चालू करेंगे, कुछ भी ब्रेक नहीं। जैसे ही उठ जाएंगे, अभी 6:03 बज रहे हैं, 6 बजे तक सो जाता हूँ, 3 घंटे में मोबाइल भी फुल हो जाएगा, तो लेट्स गो। The parent cell divided from two similar daughter cell, binary fission occur. Completed the 14-hour study challenge. Yo, I am very happy today also. So, मैं क्या ही कर रहा हूँ पता नहीं, मैं सब चैलेंज कंप्लीट करते जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे में इतना बूस्ट कहाँ से आ रहा है, बट बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में, आई डोंट नो वाई, बट बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए, वीडियो का लास्ट स्टडी सेशन आप देख रहे हो, एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना प्लीज़। आपके कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा, प्लीज़ एक कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय गाइज, पीस आउट। Yeah.